टीम तभी होती जब सब मिलकर एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं, और हमारा सबका लक्ष्य ये है कि हम जल्दी से जल्दी अपने बड़े बड़े लेवल अचीव करें, रैंक्स अचीव करें। हमारा सबका लक्ष्य है कि हम जल्दी से कैपिंग पे पहुंचे। हम सबका लक्ष्य है कि जो भी सपने देखकर हम इस बिजनेस में आए थे वो सारे सपने पूरे हों, साकार हों। सो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे महत्वपूर्ण पहलू हमारे बिजनेस का, वो है टीम बिल्डिंग, कि टीम बिल्डिंग कैसे की जाए, एक अच्छी शानदार बढ़िया टीम कैसे बनाई जाए, उसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। अगर आप बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, जो सपने आपकी नौकरी से पूरे नहीं हो पा रहे, आपके एग्जिस्टिंग जॉब से पूरे नहीं हो पा रहे, आपके प्रोफेशन से पूरे नहीं हो पा रहे हैं, आपके जो छोटा बिजनेस हम कर रहे हैं उससे अगर आपके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली तब हमने सेफ शॉप बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ज्वाइन करने का डिसीजन लिया है। और जब हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ गए हैं तो यहां पर सबसे पहला काम तो यही है कि हम एक बड़ी टीम बनाए, शानदार टीम बनाए, और आज उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं एक एक करके। टीम बिल्डिंग के लिए जरूरी है कि आप कुछ अच्छे लोगों को ज्वाइन कराएं और उनको अपने साथ रखें हमेशा के लिए। अगर लोग आपके साथ में ज्वाइन करेंगे लेकिन वो आपके साथ रुकेंगे नहीं, तो टीम तो कभी भी वर्किंग नहीं होगी, टीम की स्ट्रेंथ तो कभी भी नहीं पूरी होगी। टीम में लोग आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे, और या आके ज्वाइन करके वो काम नहीं करेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं लगाएंगे, तो आप अपने लक्ष्यों को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। आप अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को तभी पूरा कर पाएंगे जिनको आप ज्वाइन कराएं, उनको ज्वाइन कराने के साथ साथ अपने साथ रखें काम में, वो आपके साथ परफॉर्म करें, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर फील्ड में जाएं, तभी टीम बनती है। तो लोगों को ज्वाइन कराना एक पहलू है, उनके साथ में मिलकर काम करना, उनको अपने साथ बनाए रखना हमेशा के लिए, लंबे समय के लिए, ये उसका दूसरा पहलू है। बड़े सारे एसोसिएट्स हमारे ऐसे होते हैं, बड़े सारे लीडर्स भी ऐसे हैं जो लोगों को ज्वाइन तो करा लेते हैं, लेकिन ज्वाइन कराने के बाद अपने एसोसिएट्स को, अपने डायरेक्ट सेलर्स को, अपने डाउनलाइंस को अपने साथ रख नहीं पाते। उनके डाउनलाइंस में जितना जल्दी से लोग ज्वाइन करते हैं उतना जल्दी से वो बाहर भी हो जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जिनको आप ज्वाइन कराएं उनको लंबे समय तक हमेशा के लिए अपना बिजनेस पार्टनर कैसे बनाकर रखें, वो आपकी ताकत कैसे बने, वो आपके साथ मिलकर काम कैसे करें। आज हम इन बातों पर चर्चा करेंगे आपके साथ में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे बिजनेस के लिए, जो कि आप समझ सकते हैं। नेवर लूज ए टैलेंटेड पर्सन फ्रॉम योर टीम। बड़े सारे लोग आएंगे बिजनेस में जो कि एवरेज होंगे, कुछ बिलो एवरेज होंगे, कुछ अबाव एवरेज होंगे। बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस में आ जाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। उन पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे कि किस वजह से लोग छोड़कर चले जाते हैं, किस वजह से वो हमारे साथ टिक नहीं पाते, किस लिए और किन कारणों की वजह से वो हमारे साथ रह नहीं पाते, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, हिंदुस्तान में दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर्स पैदा करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स यहां से चले जाते हैं दूसरे देशों में काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए। हम दुनिया के बहुत अच्छे टैकीज पैदा करते हैं लेकिन अमेरिकन कंपनियों में जाके काम करते हैं। हम यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मैनेजर्स प्रोड्यूस करती है हमारे आईआईएम लेकिन वो दूसरे देशों में जाके काम करते हैं। हम अपने टैलेंट को रिटेन नहीं कर पाते, ये हमारे देश की समस्या है और ये हमारे नेटवर्क की भी समस्या है कि हमारे नेटवर्क में टैलेंटेड लोग आते हैं, हमारे नेटवर्क में, हमारे बिजनेस में बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, लेकिन अगर हमने उनको सही एनवायरमेंट नहीं दिया तो हमारे साथ रिटेन नहीं होते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। तो किसी भी टैलेंटेड पर्सन को अपनी टीम से जाने ना दें। अगर कोई भी टैलेंटेड व्यक्ति आपकी टीम से गया है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो आने वाले कल में वो डायमंड बन सकता था, वो डबल डायमंड बन सकता था, वो वीनस बन सकता था, वो क्राउन बन सकता था, वो कैपिंग अचीवर बन सकता था, वो सारे लेवल्स अचीव कर सकता था, लेकिन अगर उसको आपने इनिशियली ठीक से हैंडल नहीं किया, उसकी अपग्रिंगिंग में आपने उसकी मदद नहीं की, उसका हाथ अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आपके लिए बड़ा नुकसान हो जाता है। आपकी टीम आपके साथ में तब रुकती है, आपके डाउनलाइन के लोग आपके साथ तब रुकते हैं जब उनको यकीन होता है, जब उनको भरोसा होता है कि जिस व्यक्ति के साथ में मैं काम कर रहा हूं, जिस व्यक्ति के साथ में मैं जुड़ा हुआ, जो मेरा सीनियर है, जो मेरा गाइड है यहां पर, जो मेरा मेंटोर है यहां पर, जो मेरा ट्रेनर है यहां पर, उसके साथ में मैं रुका रहा, उसके साथ अगर मैं काम करता रहा, उसकी गाइडेंस को अगर मैं फॉलो करता रहा, तो उसमें मेरी तरक्की होने वाली है, मेरी ग्रोथ होने वाली है, मेरे सपने पूरे होने वाले हैं। जब तक उसको ये यकीन है तब तक वो आपके साथ में रहेगा, और अगर ये यकीन उसका टूट गया, उसका भरोसा आपके ऊपर से हट गया, उसका अगर भरोसा चला गया कि इसके साथ रह के मेरा कुछ होने वाला नहीं है, अगर ये उसको दिमाग में आ गया, तो फिर वो हमारे साथ में बिजनेस में नहीं रहेगा। जब तक उसकी होप अलाइव है, जब तक उसको भरोसा है कि मेरा अपलाइन, मेरा मेंटोर, मेरा ट्रेनर, मेरा गाइड जो मुझे इस बिजनेस में लेकर आया है, जो मुझे हेल्प करता है इस बिजनेस में, वो मुझे टॉप पर पहुंचाने में मदद करने वाला है,
वो मुझे एज ए पर्सन ग्रो करने में मदद करने वाला है, वो मेरे नेटवर्क को ग्रो करने में मदद करने वाला है। ये भरोसा जब तक कायम है, जब तक हमारा बिजनेस बढ़ता रहेगा, जब तक हमारे साथ हमारे लोग एसोसिएटेड रहेंगे। और जिस दिन ये भरोसा हिलने लग जाएगा, तब आपकी टीम टूटनी शुरू हो जाती है। तो अच्छे लोगों को ज्वाइन कराइए और उनको रिटेन कीजिए। अगर किसी भी वजह से कोई टैलेंटेड व्यक्ति छोड़कर जा रहा है, तो आपकी तरफ से 100% एफर्ट लगने चाहिए उसको अपने नेटवर्क में रोकने के लिए, अपने साथ में बनाए रखने के लिए। अपने नेटवर्क में यह भरोसा कभी भी मत खोने दीजिए कि आपके साथ रहकर उनका काम चलता रहेगा। अगर उनको यह भरोसा रहेगा तो आपके साथ रुके रहेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्यों हमारे साथ में अच्छे लोग या हमारे नेटवर्क के लोग रह नहीं पाते हैं या छोड़कर चले जाते हैं, किन कारणों की वजह से, वो क्या रीजंस हैं कि हमारे लोग हमारे साथ में टिकते नहीं है या कम टिकते हैं या हमारी परसेंटेज कम है। अगर किसी ने 10 लोगों को ज्वाइन कराया और उसमें से उसके साथ में 2 ही लोग खड़े हैं, 8 लोग छोड़कर गए, तो 8 लोगों के छोड़ने का कारण क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर किसी की 100 की टीम है और उसकी 100 की टीम में उसके साथ आज 10 ही लोग हैं, ट्रेनिंग में 10 लोग आते हैं, सेमिनार में 10 लोग आते हैं, मीटिंग में 10 लोग आते हैं या उससे भी कम आते हैं, तो जो बाकी 90% लोग जो चले गए छोड़कर, जो नहीं आते हैं, जो एक्टिव नहीं है, जो इनएक्टिव हो गए हैं, उसका कारण क्या है? क्यों हमारे लोग नेटवर्क को छोड़ देते हैं, उसका कारण क्या है? 100% तो कभी भी नहीं होगा कि जिनको भी आप ज्वाइन करेंगे सबके सब आपके साथ रिटेन रहेंगे, जब सबके सब आपके साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन अगर मेजोरिटी लोग आपके साथ में रहते हैं तो आप कामयाब लीडर हैं। लेकिन अगर आपके नेटवर्क के लोग ज्यादातर छोड़ के चले जाते हैं जल्दी जल्दी, तो फिर कहीं ना कहीं आपको अपनी लीडरशिप के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि किस कारण की वजह से मेरा नेटवर्क स्टेबल नहीं है, मेरे नेटवर्क में आए हुए लोग छोड़कर क्यों चाहते हैं, ये सोचने की जरूरत है। जो मैंने इन 20 सालों में मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर सीखा है कि किस वजह से लोग छूट जाते हैं, हमसे हाथ छुड़ा के चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, वो कारण क्या क्या है, एक एक करके मैं आपके साथ चर्चा करूंगा उसकी। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है रिजेक्शन। जब कोई बिजनेस में नया आता है हमारा एसोसिएट, जब हमारे साथ कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है, जब वो आता है तो जब कुछ लोगों को जो वो अप्रोच करता है, अपने जान पहचान वाले लोगों को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने कलीग्स को, जिसको भी इस बिजनेस में लाना चाहता है, जब वो उनको अप्रोच करता है तो उसकी अप्रोच जो है वो प्रोफेशनल नहीं होती, उसकी अप्रोच जो होती है बहुत कैजुअल होती है, वो ट्रेन नहीं होता है, और ऐसे में उसका मजाक बन जाता है, क्योंकि वो ठीक से अपना बिजनेस बता नहीं पाता है, ठीक से वो कन्वे नहीं कर पाता है, ठीक से वो समझा नहीं पाता है। उसके जो प्रोस्पेक्ट होते हैं जिनको वो ज्वाइन कराना चाहता है, उनको प्लान ठीक से नहीं दिखा पाता है, उनकी प्रोस्पेक्टिंग ठीक से नहीं करता है, उनकी क्लोजिंग नहीं कर पाता है, उनका फॉलोअप नहीं कर पाता है, और कहीं ना कहीं शॉर्ट में, ब्रीफ में वो बिजनेस के बारे में चर्चा कर देता है और वो उनकी मजाक का पात्र बन जाता है। लोग उसका मजाक करते हैं, तुम भी फंस गया क्या, तुम भी इन चक्करों में पड़ गया, तुझे भी बेवकूफ बना दिया किसी ने, कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल जाती है जिसकी वजह से वो निराश हो जाता है। तो इनिशियल स्टेजेस पे एक व्यक्ति जो बिजनेस में आता है उसको जो रिजेक्शन मिलता है उसकी वजह से हताश हो जाता है, उसकी वजह से वो सोचता है कि यार सच में तो मैं फंस नहीं गया, सच में तो मुझसे मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं ले लिया, कहीं सच में तो ऐसा नहीं हो गया कि मैंने गलत कंपनी ज्वाइन कर ली या गलत लोगों को ज्वाइन कर लिया या गलत बिजनेस ज्वाइन कर लिया। और उस वक्त अगर हम उसका हाथ नहीं पकड़ते हैं, उस वक्त उसको हम केयर में नहीं रखते हैं अपने, तो वो व्यक्ति हमारे बिजनेस चला जाता है। ज्यादातर लोग पहले हफ्ते में ही बिजनेस को छोड़ जाते हैं, ज्यादातर लोग इस बिजनेस में जो आते हैं वो पहले हफ्ते में अपना बिजनेस छोड़ जाते हैं, और उसका पहला कारण ये होता है और सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो रिजेक्शंस को हैंडल नहीं कर पाते। कुछ लोगों से वो चर्चा करते हैं कैजुअली और उनको उनके अनुकूल जवाब नहीं मिलते, उनके अनुकूल उनसे रिस्पॉन्स नहीं आता और वो हताश हो जाते हैं, और उसके बाद वो सोचते हैं कि अगर मैं किसी और को भी अप्रोच करूंगा तो वहां से भी मुझे ऐसे ही जवाब मिलने वाला है, तो इससे अच्छा मैं अप्रोच ना ही करूं और मैं पीछे हट जाऊं। तो रिजेक्शन एक बड़ा कारण है। मैं अगर आपसे पूछूं, आपके सामने एक बच्चा है जिसकी उम्र 10 साल है, एक बच्चा है जिसकी उम्र 2 साल है, एक बच्चा है जिसकी उम्र 6 महीने है, एक बच्चा है जिसकी उम्र 2 महीने है, एक बच्चा जो 2 दिन पहले पैदा हुआ है, और एक कोई बच्चा है जो अभी 1 घंटा पहले पैदा हुआ है, आपको सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखना पड़ता है? वो जो अभी तुरंत पैदा हुआ है उस बच्चे का सबसे ज्यादा ख्याल रखेंगे शायद आप, उसके बाद जो 2-4 दिन का है उसका ख्याल रखेंगे, उसके बाद जो 1-2 महीने पहले पैदा हुआ उसका ध्यान रख, उसको और कम ध्यान की जरूरत पड़ेगी, जो 6 महीने पहले पैदा हुआ है उसको और कम ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, जो 2 साल पहले पैदा हुआ है उसको और कम
आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा, और 6 साल के 10 साल के बच्चे को उतना सुपरवाइज नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन जो नवजात शिशु है, जो न्यूबॉर्न है, जो इन्फेंट है, उसका ख्याल आपको सबसे ज्यादा रखना पड़ता है। उसी तरह से जो हमारे नेटवर्क में सबसे नया व्यक्ति है, जो अभी तुरंत ज्वाइन हुआ है, जो आज ज्वाइन हुआ है, 1 घंटा पहले ज्वाइन हुआ है, 2 घंटे पहले ज्वाइन हुआ है, 6 घंटे पहले ज्वाइन हुआ है, 2 दिन पहले ज्वाइन हुआ है, वो हमारा एक इन्फेंट है, वो एक नया एसोसिएट है, एक नवजात है। उसका ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान होने का डर है, क्योंकि वहीं पर वो रिजेक्शन फेस करने वाला है और उसका नुकसान उससे मिलने वाला है। दूसरा, क्योंकि नए व्यक्ति को नॉलेज नहीं होती, उसको एक्सपीरियंस नहीं होता, इसलिए एक्सपीरियंस ना होने की वजह से, नॉलेज नहीं होने की वजह से कुछ गलतियां करता है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है, गलत तरीके से अप्रोच कर लेता है, जिसकी वजह से उसको रिजेक्शन मिलते हैं। बहुत सारे लोग जो पुराने भी हो जाते हैं, वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते, फील्ड में निकलते नहीं है सीनियर के साथ में, या सीनियर की बात सुनते नहीं है, तो उनको भी दिक्कत आती है, वो काम नहीं कर पाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस खराब रहती है और वो धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। एक और बड़ा कारण होता है कम्युनिकेशन नहीं होना, अपलाइन में और डाउनलाइन में। कई बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति ने उसको ज्वाइन कराया वो उतना एक्टिव नहीं है, और उसका जो सीनियर है, जब तक उस तक पहुंचता है तब तक उसकी हमारे बिजनेस से विदाई हो चुकी होती है। जिस व्यक्ति ने ज्वाइन कराया, जो स्पॉन्सर है, वो अगर एक्टिव नहीं होता, वो ट्रेन नहीं होता, वो नॉलेजेबल नहीं होता, वो एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो उसकी हेल्प नहीं कर पाता, और जब तक उसका सीनियर उस तक पहुंचता है, उस नए एसोसिएट तक पहुंचता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती, जब तक वो ट्राई कर चुका होता है 2-4 लोगों से और वहां से उसको अच्छे रिजल्ट नहीं आए और वो छोड़ देता है। तो ऐसे में कम्युनिकेट करना, अगर आपको लगता है कि आपकी टीम में कोई नया व्यक्ति आया है और उसका जो स्पॉन्सर है वो उतना जिम्मेदार नहीं है, तो तुरंत उस नए एसोसिएट के साथ में आप कम्युनिकेट करना स्टार्ट कीजिए, तुरंत उसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए, जल्दी से जल्दी उससे मुलाकात कीजिए और डायरेक्टली कम्युनिकेट करना शुरू कीजिए। बहुत बड़ा कारण यह होता है लोग छोड़ के जाने का, कि ज्वाइनिंग के टाइम पे बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट सेलर ऐसे होते हैं, बहुत सारे लीडर्स नादानी की वजह से कुछ ज्यादा कमिटमेंट कर देते हैं, कुछ गलत कमिटमेंट्स कर देते हैं, या जो कर नहीं सकते, जो उसको पूरा नहीं कर सकते, ऐसे कमिटमेंट हम कर देते हैं कई बार, और उसकी वजह से, उस कमिटमेंट ज्यादा होने की वजह से जब आमने सामने ये आते हैं तो नजरें मिला के बात नहीं होती है, तब वहां पर गड़बड़ हो जाती है और हमारा नया एसोसिएट बिजनेस छोड़ के चला जाता है। मैं उदाहरण से समझाता हूं आपको। एक रिसर्च बताती है कि जो अरेंज मैरिजेस होती हैं, जो अरेंज मैरिजेस होती हैं उसमें तलाक कम होते हैं, और जो लव मैरिजेस होती है उसमें तलाक ज्यादा होते हैं। अब मैं आपको मैरिज काउंसलिंग नहीं करने वाला हूं, लेकिन इसको मैं बिजनेस से कनेक्ट कर रहा हूं आपको, जिससे आपको समझ में आएगा। अरेंज मैरिज में क्या होता है, पेरेंट्स उसके लिए लड़की या लड़का चूज करते हैं। अरेंज मैरिज में खुद लड़का लड़की चूज करता है, या लड़की अपने लिए लड़का चूज करते हैं, यानी कि वो पहले से जानते हैं, पहले से एक दूसरे को पहचानते हैं, उनसे उनके आपस में रिलेशन रहे होते हैं। और जब कोई लव में होता है, प्यार में होता है, तो क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बहुत ज्यादा शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं। शादी से पहले तो बोलते हैं मैं चांद तोड़ लाऊंगा, तारे तोड़ लाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अपना अच्छा जो पहलू है वो प्रेजेंट करते हैं, जो उसका नॉर्मल चेहरा है वो सामने नहीं आता है। और जब शादी होती है, जब वाइफ बोलती है कि तारे तोड़ लाओ, चांद तोड़ लाओ, महल बनवा दो, ताजमहल बनवा दो, जो जो आपने बोला था वो सब कर दो, तो वो करने की हालत में होता नहीं है, फिर दोनों की लड़ाई होती है। तो अगर आपने ज्वाइनिंग के टाइम पे कुछ ऐसा कमिटमेंट कर दिया है गलती से, जो आप निभा नहीं सकते, उसकी वजह से दोनों के बीच में रिलेशंस खराब हो जाते हैं और रिलेशन जो है उसमें कड़वाहट आ जाती है। तो कभी भी ज्वाइन कराने के टाइम पे कमिटमेंट वो कीजिए जो आप निभा सकते हैं, भरोसा उतना दीजिए जिसको आप निभा सकते हैं, जिसको आप तोड़ेंगे नहीं। ओवर कमिटमेंट कभी भी मत कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सपेक्टेशन अलग अलग होती है। हमारे कुछ एसोसिएट ऐसे होंगे जो 10,000 वो महीना भी कमा लेंगे तो खुश हो जाएंगे कि यार बढ़िया चल रहा है। कुछ ऐसे लोग आएंगे महत्वाकांक्षी उनकी टीम में, जो 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, 2 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं। अगर उसका अपलाइन ऐसा है जो 10,000 वो महीने में खुश है, तो क्या ये व्यक्ति टिकेगा उसके साथ में? क्योंकि उसको तो 1 लाख रुपए महीना चाहिए, 2 लाख रुपए महीना चाहिए, उसके अपलाइन तो 10,000 में खुश हो जाता है, तो उसका अपलाइन इतनी मेहनत नहीं करता है। तो दोनों में एक्सपेक्टेशंस का अलग अलग होना ये कारण बन जाता है। उसको लगता है कि इसके साथ रहूंगा तो मेरा 1 लाख रुपए महीने पे मैं पहुंचूंगा नहीं। कई बार इसका उल्टा भी होता है। जो सीनियर होता है वो चाहता है 2 लाख रुपए महीना कमाना, 3 लाख रुपए महीना कमाना, लेकिन जो नया व्यक्ति आया वो कहता है 5,000 महीना भी आ जाए तो चलेगा। तो दोनों की एक्सपेक्टेशन अलग अलग होती है, दोनों की जो सोच है वो अलग अलग है, दोनों की जो आकांक्षाएं हैं बिजनेस से, जो उम्मीदें हैं बिजनेस से, वो अलग अलग हैं। दोनों सेम स्पीड में नहीं चल रहे हैं।
अगर एक बहुत तेज भागना चाहता है और एक बहुत धीरे चलना चाहता है, अपलाइन या डाउनलाइन, अपलाइन बहुत तेज चलना चाहता है, डाउनलाइन धीरे चलना चाहता है, तो दोनों साथ में नहीं चल पाएंगे। कई बार डाउनलाइन बहुत तेज चलना चाहता है, अपलाइन धीरे चलना चाहता है, तो दोनों साथ में नहीं चल पाएंगे। तो मैच करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है एक दूसरे के साथ में, वो आपको टीम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। अलग अलग वर्किंग स्टाइल होते हैं लोगों के। कुछ ऐसे होते हैं जो कहेंगे मैं तो सिर्फ वीकेंड पे काम करूंगा, वीकेंड पे भी 2 घंटे ही काम करूंगा। कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे कि मैं तो रोज काम कर सकता हूं, मुझे तो हर रेगुलर सपोर्ट चाहिए। तो जो वर्किंग स्टाइल अलग अलग है, कुछ बड़े एग्रेसिव होते हैं, कुछ लेट डाउन होते हैं, कुछ बहुत जल्दी जल्दी काम करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से स्पीड से नॉर्मल स्पीड से काम करना चाहते हैं, है ना। वर्किंग स्टाइल अलग अलग हो जाते हैं। तो जब वर्किंग स्टाइल अलग हो जाते हैं अपलाइन के डाउनलाइन के, वो मैच नहीं करते, तो गड़बड़ हो जाती है। मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा किसी भी सीनियर को कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को नीचे लाइए, अपने डाउनलाइंस के स्टैंडर्ड को रेज कीजिए, और अगर आपका स्टैंडर्ड लो है तो अपने स्टैंडर्ड को रेज कीजिए। नेक्स्ट जो रीजन होता है वो ये कि हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाता है। बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे नए एसोसिएट्स इसलिए बिजनेस छोड़ जाते हैं कि यार ज्वाइन कराने से पहले तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, मीठी मीठी बातें करता था, सर सर बोलता था, मैडम मैडम बोलता था, और अब ये तू तड़ाक पे आ गया। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। ज्वाइन कराने से पहले हमारा बिहेवियर अलग रहता है, ज्वाइन कराने के बाद बिहेवियर बदल जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा आपका बिहेवियर ज्वाइन कराने से पहले है, वैसे ही बिहेवियर आपका ज्वाइन कराने के बाद भी होना चाहिए। सो अगर आपका बिहेवियर में चेंज आ गया है तो प्लीज चेक कीजिए अपने आप को, कहीं आप रूड तो नहीं हो गए हैं, कहीं आप रफ तो नहीं हो गए हैं। बहुत बार ऐसा होता है जब हम साथ में काम करते हैं तो हम क्लोज आ जाते हैं, और क्लोज आने के बाद ठीक है तब जाके आपकी जगह तुम या तू बोलते हैं तो चल जाता है कुछ हद तक। अगर आपके रिलेशन बहुत क्लोज हो गए हैं और एक दूसरे को आप समझते हैं, अदरवाइज आपको हमेशा अपने डाउनलाइंस को इज्जत से बात करनी चाहिए, जी लगा के बात करनी चाहिए, सर या मैडम कह के बात करनी चाहिए, और डाउनलाइंस को भी ऐसा ही करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे रिलेशन पुराने होते हैं, हम जैसे पहले बात करते थे वैसी बातें हम ज्वाइन करने के बाद करते हैं। अगर बाई चांस सपोज कीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई मेरा दोस्त है जो मुझसे पहले बहुत क्लोज था, वो मुझसे तू तलाक करके बात करता था, वो ज्वाइन करने के बाद भी ऑब्वियसली वैसा ही करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब टीम बैठी होती है, जब बहुत सारे और लोग बैठे होते हैं, वहां पर लोग दूसरे लोग रेस्पेक्ट कर रहे होते हैं, और ये नॉर्मल रफ बिहेवियर इसका रहता है, कैजुअल बिहेवियर रहता है, तो ऐसे में अपलाइन को हर्ट हो जाता है। तो अपलाइन को भी हर्ट होने की जरूरत नहीं है, उसको अकेले में बैठ के समझा देना चाहिए कि यार अकेले में हम जैसे भी दोस्त हैं, हम जैसे भी बात करें चलेगा, लेकिन जब टीम होती है तो प्लीज थोड़ा सा बिहेवियर को ठीक कीजिए, और अपनी टीम को भी बता दीजिए कि देखिए हम तो पुराने दोस्त हैं, हम तो लंगोटिया यार हैं, हमारे बीच में तो इस तरह का रिलेशन है, तो ये ऐसा करता है, तो इसको प्लीज बुरा मत मानिए। तो ये कम्युनिकेट कर देना अच्छी तरह से क्लियरली। अगर आपको अपनी डाउनलाइन की कोई बात बुरी लगी है तो कम्युनिकेट कर दीजिए, अगर आपको आपके अपलाइन की भी कोई बात बुरी लगी है तो उसको कम्युनिकेट कर दीजिए कि सर ये मुझे ठीक नहीं लगा, और दोनों को एडजस्ट करने के लिए रेडी होना चाहिए। तो अपने बिहेवियर को चेक कीजिए, ऐसा मत कीजिए कि ज्वाइन कराने के बाद आपका बिहेवियर बदल जाए। एक और बहुत बड़ा कारण होता है रिजेक्शन के बाद, अगर सबसे बड़ा कोई कारण है लोगों को छोड़ के जाने का, वो है ईगो। हमने किसी से टाइम लिया अपलाइन से, और वो थोड़ा लेट हो गया, या उस दिन वो बिजी हो गया, वो नहीं आ पाया, या आपको वक्त नहीं दे पाया, तो हम उसको दिल पे ले लेते हैं कि यार पहली बार इसको मैंने कुछ बोला था, पहली बार मैंने इससे कुछ रिक्वेस्ट की थी, और ये देखो पहले तो बोल रहा था मैं बहुत सपोर्ट करूंगा और आज नहीं कर रहा। इसका उल्टा भी होता है। बहुत बार आप सीनियर्स अपने डाउनलाइंस को फोन करते हैं, वो उठाते नहीं है, कॉल बैक करते नहीं है, मैसेज करते हैं जवाब नहीं आता है, उनके घर जाते हैं तो मिलते नहीं है, अपॉइंटमेंट देते हैं उस वक्त तो गायब हो जाते हैं। एक दो बार ऐसा हो जाता है तो सीनियर ही एक बात बोल देता है भाड़ में जाए, और ये जो एटीट्यूड है ना भाड़ में जाए, यही बिजनेस को भाड़ में डाल देता है। ये एटीट्यूड कभी भी नहीं होना चाहिए एक सेल्स पर्सन का। हम सेल्स के बिजनेस में है, हम सेल्स के प्रोफेशन में है, हम लोगों के प्रोफेशन में है, हम पीपल्स बिजनेस में है। कभी भी अगर ये एटीट्यूड है भाड़ में जाए, तो इस एटीट्यूड के साथ में हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर कोई गड़बड़ हो गई है तो तुरंत मान लेना चाहिए। अगर आपने अपॉइंटमेंट दिया था नहीं पहुंच पाए, गलती मान लीजिए। आपके डाउनलाइन ने फोन नहीं उठाया, कोई बात नहीं, दूसरी बार कीजिए, तीसरी बार कीजिए, चौथी बार कीजिए। नहीं फोन उठा रहा, जाके मिलिए। नहीं मिल रहा एक बार, दूसरी बार मिलिए। देखिए अगर हमारे पर्सनल रिलेशन जो होते हैं, आपके भाई से आपकी लड़ाई हो जाती है तो क्या जिंदगी भर बात नहीं करते? आपकी बहन से अगर आपकी लड़ाई हो गई, कुछ कहा सुनी होगी, तो क्या जिंदगी भर बात नहीं करते? आपके माँ बाप से अगर आपका कुछ कहा सुनी हो गई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो क्या जिंदगी भर के लिए उनको छोड़ देते हैं? या आपके बच्चों के साथ में ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या जिंदगी भर के लिए छोड़ देते हैं? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ऐसा लोग करते हैं,
एक बार किसी से कुछ खटपट हो गई, एक बार कोई कहासुनी हो गई, एक बार कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, एक बार कोई बात दिल की लग गई, उसको हमेशा के लिए दिल पे लगा कर बैठ जाते हैं हम लोग। ऐसा नहीं करना है, इसी को ईगो कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले रेगुलरली बात करते थे, अब नहीं करते, उसके बावजूद भी मैं कॉल करता हूं, मुझे पता नहीं उठाएगा तब भी करता हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि मैसेज करता हूं, मुझे पता जवाब नहीं आएगा तब भी करता हूं। ये मेरा काम है। अगर मैं ईगो लेके बैठा रहूंगा कि नहीं यार इसे 3 बार मैसेज का जवाब नहीं दिया, 4 बार फोन का जवाब नहीं दिया, इसके घर गया था मिला नहीं, तो कभी भी मेरे लोग मेरे साथ में रुके नहीं रहेंगे। मेरा जो कारवां है वो छोटा होता जाएगा दिन पे दिन, मेरा जो दायरा है काम करने का वो दिन पे दिन सुगड़ता जाएगा, बढ़ेगा कभी भी नहीं। अगर हम ईगो के बैठ जाएंगे, मनमुटाव को हमेशा के लिए बना के रख लेंगे, तो कभी भी हम अच्छे डायरेक्ट सेलर नहीं बन पाएंगे, अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे, अच्छे नेटवर्कर नहीं बन पाएंगे। कुछ भी हो गया है कोई बात नहीं, उस वक्त हुआ था, उस वक्त जो भी हालात थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको पीछे छोड़िए, मिट्टी डालिए और आगे बढ़ जाइए। आपकी गलती है मान लीजिए, आपकी गलती नहीं है तो भी कोई बोल दीजिए, कोई बात नहीं जी, आपको हो सकता है कुछ बात हर्ट हो गई हो, अगर मेरी गलती है तो मैं मान लेता हूं, आपकी भी गलती तो कोई बात नहीं, मेरी गलती है, लेकिन हमने मिलकर काम करना है तो मिलकर ही चलना होगा, ये ईगो को छोड़ना पड़ेगा। बहुत बार हमारे लीडर्स इसलिए छोड़ जाते हैं, हमारे डाउनलाइन के लोग इसलिए छोड़ के चले जाते हैं कि हम मिसबिहेव कर देते हैं उनके साथ पब्लिकली। कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको छोटी सी बात भी चुभ जाती है। तो प्लीज बिहेवियर पे बहुत ध्यान दीजिए, रिजेक्शन से बचाकर रखें अपने एसोसिएट्स को, उनको नॉलेज दीजिए, शुरुआत में उनका हाथ पकड़ के रखिए, उनको उनको अपने साथ में लेकर चलिए, सुपरवाइज कीजिए अच्छी तरह से कम्युनिकेट कीजिए, किसी को गलत कमिटमेंट करके ज्वाइन मत कराइए। अगर आपकी डाउनलाइन या अपलाइन जिनके साथ में आप काम कर रहे हैं उनके एक्सपेक्टेशन अलग अलग है तो उनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। हर व्यक्ति अलग होता है, हर पर्सनैलिटी अलग होती है, हाथ में भी सारी उंगलियां एक जैसी नहीं है ना, सबको ये पता है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, कोई पावरफुल है कोई कम पावरफुल है, कोई कमजोर है ना, तो हम एडजस्ट करते हैं ना, मिलकर ही मुट्ठी बनती है। तो हमारे नेटवर्क में हर तरह के लोग आएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो थोड़ा रफ बिहेव करते हैं, कोई बात नहीं, समझाइए उनको, और अगर गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, ईगो मत रखिए, कम्युनिकेट करते रहिए। कारण तो हमें पता लग गए कि क्यों हमारे नेटवर्क के लोग छोड़ के चले जाते हैं, किस वजह से लोग चले जाते हैं, किन कारणों से हमारा नेटवर्क टूट जाता है। अब टीम अच्छी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला काम और सबसे महत्वपूर्ण काम, सबसे जरूरी काम, जो भी हमारे नाराज एसोसिएट्स हैं, जो भी हमारे डाउनलाइन के नाराज लोग हैं, उनके ऊपर ध्यान दीजिए, उनकी नाराजगी का कारण जानने की कोशिश कीजिए। आपकी डाउनलाइन में अगर कोई नाराज है आपसे तो उसकी नाराजगी का कारण जानने की कोशिश कीजिए, उनसे मिलिए, उनसे आंखें मत चुराइए, उनसे पीछे मत हटिए, उनका फोन उठाना बंद मत कर दीजिए, उनके ऊपर फोकस कीजिए कि किस वजह से वो नाराज है। हमारे यहां पर देहात में एक पुरानी कहावत है कि अगर रूठे को मनाएंगे नहीं और फटे कपड़ों को सिलेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। अगर आपसे कोई रूठ गया उसको मनाना आपका काम है, या आपका फर्ज बनता है, हमेशा के लिए उसको दिल में नहीं रखना है, किसी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसको क्लियर करना जरूरी है। और अब तो जरूरी नहीं है ऐसा, लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था जब हम गरीब लोग थे, जब कपड़े की शॉर्टेज होती थी तो कपड़े फट जाते थे, हम सिलते थे उसके ऊपर पैचेस लगाते थे। तो आप कपड़े को तो आप संभाले ना संभाले, लेकिन रिश्तों को संभालना बहुत जरूरी है। आपसे जो लोग नाराज हैं उनकी नाराजगी का कारण समझना जरूरी है और उनकी नाराजगी को एड्रेस करना जरूरी है, उनसे मिलना जरूरी है, उस गलत फैमिली को दूर करना जरूरी है। और इसके लिए नाराज व्यक्ति से मिलने के लिए गट्स होने चाहिए आपके अंदर, हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि जो लोग आपसे नाराज हैं वो आपसे हो सकता है मिसबिहेव करें, हो सकता है आपसे प्रॉपर तरीके से बात ना करें, तो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, गट्स होने चाहिए उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए, उसको फेस करने के लिए। जिनके अंदर गट्स नहीं होंगे ना वो कभी भी नाराज लोगों से मिलेगा नहीं, हिम्मत होनी चाहिए। बहादुर वो नहीं होते जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहादुर वो होते हैं जो छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखते हैं और अगर छोटी सी भी कोई नाराजगी है तो अपनी गलती को मानने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी ईगो को छोड़कर। आपको लगता है कि आपका एसोसिएट नाराज है आपके किसी वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से, वहां पर अकड़ दिखाने की बजाय अगर आप उससे पोलाइटली बात करेंगे, जाके समझाने की कोशिश करेंगे, अपनी पोजीशन उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी इंसान है। तो गट्स अगर आपके अंदर है तो आप जाके मिल पाएंगे। याद रखिए कि जब आप उनसे मिले तो उनको वैल्यू दें, उनकी बात को समझे, ऐसा नहीं हो कि आप उनकी बात को आउटराइट रिजेक्ट कर दें कि नहीं ये तो तुम्हारी गलती है, हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन सुनिए
उनकी बात को अहमियत दीजिए, उनको वैल्यू दीजिए। जब हम किसी को वैल्यू देते हैं ना तो भी हमें वैल्यू देता है, हम किसी को इज्जत देते हैं तो वो भी हमें इज्जत देता है, हम किसी से प्यार से बात करते हैं तो कुछ देर के बाद वो भी प्यार से बात करता है। तो उनकी बात को ध्यान से सुनिए और उनकी बात को वैल्यू दीजिए। कभी भी अपनी डाउनलाइन में या अपलाइन में आर्ग्यूमेंट मत कीजिए किसी भी कीमत पर। जब आप आर्ग्यूमेंट करते हैं तो रिलेशन और ज्यादा खराब होते हैं, जब आप बहस करने लग जाते हैं तो रिलेशन और ज्यादा खराब हो जाता है। तो आर्ग्यूमेंट्स कभी भी नहीं करने हैं। अनहैप्पी एसोसिएट्स टर्न हैप्पी एसोसिएट्स विल बी योर बिगर एसेट्स, बिगेस्ट एसेट्स। जो लोग आपसे नाराज हैं उनकी नाराजगी अगर आप दूर कर लेते हैं, उनसे जाकर मिल लेते हैं, उनकी जो भी दिक्कतें हैं उनको आप ठीक कर देते हैं जाके, तो वो सबसे बड़ा एसेट बन जाएगा आपका। वो कहते हैं ना आगे दौड़ पीछे छोड़, नए नए लोगों को ज्वाइन कराते रहेंगे पुराना को छोड़ते रहेंगे। चार लोग ज्वाइन कराए, छह छोड़ के चले गए, दो लोगों को ज्वाइन कराया एक छोड़ के चला गया, फिर अगले हफ्ते चार को ज्वाइन कराया उसमें फिर तीन छोड़ के चले गए। तो क्या बड़ा नेटवर्क कभी बन पाएगा? बड़ा नेटवर्क तभी बन पाएगा जब लोग आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे और आपके साथ टिके रहेंगे। और उसके लिए जरूरी है कि आपके जो नाराज एसोसिएट है उनको भी आप संभालें, और वो संख्या बहुत बड़ी होती है। बहुत सारे लोग किसी न किसी कारण से नाराज हो जाते हैं, उनकी नाराजगी को दूर करना हमारा काम है, ये हमारा फर्ज बनता है। क्वालिटीज क्या होनी चाहिए आपके अंदर? आपको बड़ी टीम बनानी है तो आपके अंदर खुद के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है पैशन फॉर पीपल। मिलनसार होना बहुत जरूरी है आपका। अगर आप लोगों से जी चुराते हैं, उनसे आंखें चुराते हैं, उनसे बात नहीं करना चाहते, आप फोन नहीं उठाते, तो आप अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे, आप कभी भी अच्छे नेटवर्कर नहीं बन पाएंगे, कभी भी आप अपने सपने नहीं साकार कर पाएंगे। क्योंकि सपने साकार करने के लिए आपको लिवरेजिंग करनी पड़ेगी, लोगों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। हर तरह के लोग आएंगे, कम पढ़े लिखे लोग भी आएंगे, ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी आएंगे, कुछ मिसबिहेव करने वाले लोग भी आएंगे, है ना, कुछ गरीब भी आएंगे, कुछ अमीर भी आएंगे, कुछ मध्यम वर्गीय लोग भी आएंगे। सबके साथ एडजस्ट करने का काम है लीडर्स का। लीडर्स के लिए हर आदमी वैल्यू है, वैल्यूएबल है। तो आपको पैशन होना चाहिए, भूख होनी चाहिए लोगों से मिलने की। अगर आपसे कोई मिलने नहीं आ रहा तो आप जाइए मिलने के लिए। मिलनसार होना सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है किसी भी लीडर की। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको मिलनसार होना चाहिए, आपको भूख होनी चाहिए लोगों से मिलने की, उनसे रिलेशन बनाए रखने की। और कहीं पर रिलेशन खराब हो गया है तो उसको ठीक करने की हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर। एबिलिटी टू रिटेन हिज टीम कस्टमर्स, बिगर कस्टमर बेस और लीडर बेस। एक अच्छे लीडर की क्वालिटी क्या होती है, एक अच्छे नेटवर्कर की क्वालिटी क्या होती है? कि वो अपनी टीम को रिटेन कर पाए हमेशा। एक जमाने में किसी ने रतन टाटा से एक इंटरव्यू में पूछा था कि अगर आपसे जो भी आपके पास फैक्ट्रियां हैं, जो भी आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जो भी आपके पास है वो सब कुछ अगर आपसे छीन लिया जाए तो आप क्या करोगे? तो उनका एक जवाब था बहुत ही शानदार, जो हम सबको समझना चाहिए। उन्होंने कहा मुझसे सब कुछ ले लीजिए, सारी फैक्ट्री ले लीजिए, सारी कंपनियां ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, लेकिन जो टीम मेरे पास में है वो मेरे साथ छोड़ दीजिए, जो लोग मेरे साथ है उनको मेरे साथ छोड़ दीजिए, मेरे पास वो टीम रहेगी, हम फिर से सब कुछ बना लेंगे। सो टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कोई कस्टमर आपसे नाराज नहीं होना चाहिए, आपका कोई एसोसिएट आपसे नाराज नहीं होना चाहिए। नाराजगी है तो कोई बात नहीं, आप बड़े बन जाइए, गलती उसकी भी है तो कोई बात नहीं, आप बड़े बन जाइए। अपने कस्टमर बेस को, अपने लीडर बेस को कभी भी छोटा मत होने दीजिए, अपने दायरे को, अपने सर्कल को कभी भी छोटा मत होने दीजिए। बाउंड्रीज मत रखिए। आपका दायरा छोटा कब हो जाता है? जब आप ईगो रखते हैं, इसने उस दिन गड़बड़ की थी इसलिए बात नहीं करूंगा, इसने फोन नहीं उठाया इसलिए बात नहीं करूंगा, इसने अपॉइंटमेंट दिया था इसलिए बात नहीं करूंगा, इसने अपॉइंटमेंट दिया था आया नहीं था इसलिए बात नहीं करूंगा, इसने झूठ बोला था इसलिए उसने मिसबिहेव किया था। और ये सारी चीजों को अगर आप दिमाग में रखते रहेंगे, दिल में रख के बैठे रहेंगे, तो कभी भी उनको माफ नहीं कर पाएंगे। और माफ नहीं कर पाएंगे, उनसे आप बात नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली उनसे दूरियां बन जाएगी। घर में जब रिश्ते में कुछ दरार आ जाती है, हस्बैंड वाइफ में जब रिलेशन में दिक्कत आ जाती है, भाई भाइयों में रिलेशन में कुछ दिक्कत आ जाती है, तो भी हम बात करते हैं ना। अगर नहीं करेंगे तो परिवार टूट जाएंगे, राइट? अगर नेटवर्क में बात नहीं करेंगे, गर्ल फैमिली को दूर नहीं करेंगे तो नेटवर्क टूट जाएंगे। डाउनलाइन से बात नहीं करेंगे, उनकी शिकायतों को दूर नहीं करेंगे तो नेटवर्क टूट जाएंगे। इसलिए ईगो मत रखिए, दिल पे मत रखिए किसी भी बात को, बाउंड्रीज बना के रखिए, अपने आप को कैद मत कर लीजिए पुरानी बातों में, खुलापन रखिए हमेशा। एक चीज जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, हम गेस्ट का फॉलोअप करने के लिए तो हमेशा सिखाते हैं कि जिस गेस्ट का प्लान दिखाया था उसका फॉलोअप करो, जिस गेस्ट का प्लान दिखाया था उसका फॉलोअप करो, पहला फॉलोअप करो, दूसरा फॉलोअप करो, तीसरा फॉलोअप करो। लेकिन एसोसिएट्स का भी फॉलोअप करना पड़ता है, डाउनलाइंस का भी फॉलोअप करना पड़ता है, ये बात हम अक्सर भूल जाते हैं।
एसोसिएट्स का फॉलोअप भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी गेस्ट का फॉलोअप करना है। अगर आप एसोसिएट्स का फॉलोअप करेंगे, एसोसिएट्स का फॉलोअप मतलब जिसको ज्वाइन कराया था, ये चेक करना कि उसका पैकेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसकी आईडी ग्रीनिंग हुई कि नहीं हुई, राइट, उसका कमीशन चेक उसके अकाउंट में गया कि नहीं गया ये सुनिश्चित करना, उसने अपनी लिस्ट बनाई कि नहीं बनाई ये सुनिश्चित करना, उससे मिलकर बात करना, उसने सारे दिन में क्या किया, किससे मिला, किसको अप्रोच किया, कहां से क्या रिप्लाई आया, ये बात करना, ये बहुत जरूरी है। अगर वो एक बार में नहीं बात कर रहा है तो दूसरी बार कॉल कीजिए, तीसरी बार फोन कीजिए, जब तक वो ज्वाइन नहीं हुआ तब भी तो हम करते थे ना उसका फॉलोअप, ज्वाइन करने के बाद भी उसका फॉलोअप करना जरूरी है। तो ध्यान रखिए, एसोसिएट्स का फॉलोअप करना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना गेस्ट का फॉलोअप करना, इनफैक्ट गेस्ट से ज्यादा जरूरी है अपने एसोसिएट्स का फॉलोअप करना, उनसे लगातार मिलते रहना, उनसे बात करते रहना, उनको अपने नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना, उसके गोल सेट नहीं हुए गोल सेट कराना, लिस्ट नहीं बनी तो लिस्ट बनवाना, प्लान नहीं दिखाना तो प्लान दिखाना सिखाना, राइट। तो एसोसिएट्स का फॉलोअप भी करना उतना ही जरूरी है। अगर आपको अच्छी टीम बनानी है तो गेस्ट के साथ साथ एसोसिएट्स का भी फॉलोअप हमेशा करते रहिए, छोड़िए मत। एक और क्वालिटी होनी चाहिए, टीचेबिलिटी। एक लीडर को, एक अच्छे नेटवर्कर को, एक अच्छे टीम बिल्डर को, अच्छी टीम बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम हमेशा सीखते रहें। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है, मुझे सब आता है, मुझे सब पता है। ये गलतफहमी जिस दिन आ जाती है ना, उस दिन पतन होना शुरू हो जाता है। नई नई टेक्निक सीखना जरूरी है, नए नए तरीके सीखना जरूरी है। बाबा आदम की टेक्निक आज के दिन काम नहीं करेंगी। अगर आपसे पास में कोई गलती हुई है तो उन गलतियों से सीखना भी बहुत जरूरी है। सो हमेशा सीखते रहना, अपने आप को बेहतर बनाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और जब हम ये करते हैं तो हमारी टीम अच्छी बनती है। टीम अच्छी बनाने के लिए आपके अंदर एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्साइटेड हैं तो आपका एक्साइटमेंट आपकी टीम में जाएगा। अगर आप डिमोटिवेटेड हैं तो आपका डिमोटिवेशन भी टीम के अंदर जाता है। आप जितनी मर्जी सोच रहे हो कि मेरी टीम को नहीं पता लगेगा, लेकिन टीम को पता लग जाता है। सो आपके अंदर एक्साइटेड होना, आपके अंदर जोश होना, आपके अंदर जुनून होना, आपके अंदर कामयाबी का जो जुनून होता है ना, वो सवार रहना बहुत जरूरी है। हमेशा जोश में रहना बड़ा जरूरी है। आप इस बिजनेस को लेकर कितने पॉजिटिव हैं, ये दिखना जरूरी है। अगर आप डिमोटिवेटेड हैं तो आप डिमोटिवेशन पास ऑन कर रहे हैं अपनी टीम को। अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आप मोटिवेशन अपनी टीम को पास करते हैं। और मोटिवेशन या एक्साइटमेंट आपको भी तो आना चाहिए ना कहीं से। अगर आप खुद डिमोटिवेटेड है तो डाउनलाइन से तो मोटिवेशन नहीं आएगा, मोटिवेशन तो आपको कहीं और से आएगा। और मोटिवेशन का, एक्साइटमेंट का जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो बड़े इवेंट्स होते हैं। इवोल में गए, एक्साइटमेंट, बूट कैंप में गए, एक्साइटमेंट, सक्सेस डे में गए, एक्साइटमेंट, कंपनी एनिवर्सरी पे गए, एक्साइटमेंट। तो जब बड़े इवेंट्स हम अटेंड करते हैं ना तो एक्साइटमेंट आता है। तो बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। अकेले में आप बैठ को किसी को समझाएंगे ना तो आप वो नहीं दे पाएंगे उसको जो भीड़ में होता है। आज के दिन आप समझ पा रहे होंगे एज पेरेंट्स, जब स्कूल में बच्चे जाते थे और आज ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते, दोनों में फर्क है ना। स्कूल का एक एनवायरमेंट अलग है और ऑनलाइन का एनवायरमेंट अलग है। इसी तरह से अकेले में बात करना, 10-20 लोगों के बीच में बैठ के बात करना और एक बड़े इवेंट में जाकर अटेंड करना किसी बड़े इवेंट को, वहां से जो एक्साइटमेंट आता है, वहां से जो मोटिवेशन आता है, वो 2-4-5 लोगों के साथ बैठ के नहीं आता है। इसलिए बड़े इवेंट्स में हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक्साइटमेंट आता है आपके अचीवमेंट से, जब आप कुछ अचीव करते हैं, जब आप कुछ बड़ा करते हैं, जब आप कुछ बेहतर करते हैं, जब आप तरक्की करते हैं, जब आपने कुछ भी ऐसा किया है जो आपके अंदर जोश भरता है, तो आपके अंदर जो जोश है वो ट्रांसमिट होता है आपकी टीम के अंदर। तो आपकी खुद की अचीवमेंट बड़ी जरूरी है। बड़ी टीम बनाने के लिए, बेहतर टीम बनाने के लिए, शानदार टीम बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपने नेटवर्क की परवरिश अच्छी करें, उनको एजुकेशन अच्छी दे, उनको ट्रेनिंग बहुत अच्छी दे। आपने अपनी टीम में एक्साइटमेंट तो भर दिया, जोश तो भर दिया, लेकिन उनको ट्रेन नहीं किया, उनको एजुकेट नहीं किया, तो क्या हो गए? आपने मोटिवेट करके उनको छोड़ दिया, उनको ट्रेन नहीं किया, उनको एजुकेट नहीं किया कि उनको काम कैसे करना है, तो क्या करेंगे? वो जाएंगे फील्ड में एक्साइटमेंट में, मोटिवेशन के साथ में, लेकिन उनको काम करना आता नहीं होगा। वो अनप्रोफेशनल तरीके से अप्रोच करेंगे, बिना प्रोस्पेक्टिंग करे प्लान दिखाएंगे, शॉर्टकट में प्लान दिखाएंगे, क्लोजिंग करेंगे नहीं, उनको ये सब आता नहीं है, तो अल्टीमेटली वो भी डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो डिजास्टर हो जाता है। तो मोटिवेशन तो जरूरी है, लेकिन उनको एजुकेट करना भी उतना ही जरूरी है। एक्साइटमेंट जो होता है ना, कुछ दिन में खत्म हो जाता है। आपने मोटिवेट किया, वो मोटिवेशन कुछ देर के लिए रहता है। आप किसी इवेंट में गए, एक्साइटमेंट कुछ दिन के लिए रहता है, हमेशा के लिए नहीं रहता। लेकिन जो एजुकेशन है, जो ट्रेनिंग है, जो स्किल्स हैं, वो हमेशा के लिए रहते हैं, राइट? आपने किसी को मोटिवेट करके भेज दिया, मोटिवेशन 2 घंटे रहेगा, 4 घंटे रहेगा, 2 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा। अगर उसको एजुकेट नहीं किया साथ में,
तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि मोटिवेशन कुछ देर के लिए रहता है, नॉलेज जो है, एजुकेशन जो है, वो जिंदगी भर काम आती है। तो जो आप उसको नेटवर्क की एजुकेशन देंगे वो देना बहुत जरूरी है। क्रिकेट में कहते हैं कि फॉर्म जो है वो टेम्पररी है, बड़े बड़े बैट्समैन ना फ्लॉप हो जाते हैं, पूरा सीजन खराब चला जाता है, लेकिन उनको क्लास है, उनकी टेक्निक बहुत स्ट्रांग है, उनको ना बैटिंग करना आता है, उनको बेसिक्स पता अच्छी तरह से। तो जिस दिन उनकी दो चार बॉल सही बैट पे आ गई ना, उसके बाद वो फॉर्म में आ जाते हैं। दो चार चौके लग गए ना, दो चार बॉल उसने अगर सेंटर में खेल ली बैट के, तो फिर फॉर्म में आ जाते हैं। इसलिए फॉर्म जो है, बिजनेस कभी आप ऊपर चलता है, कभी नीचे चलता है, कभी अच्छे रिजल्ट आते हैं, कभी अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं, तो ये टेम्पररी होता है। लेकिन जो एजुकेशन जो आपने ले ली है, वो एजुकेशन आपको हमेशा काम आएगी। अगर आपको ट्रेन कर दिया है अपने नेटवर्क को, तो बिजनेस तो कभी भी अच्छा कर लेंगे वो, जब उनका मोटिवेशन लेवल हाई आएगा वो अच्छा काम कर लेंगे। लेकिन मोटिवेशन के साथ अगर ट्रेनिंग नहीं है तो बात नहीं बनेगी। अच्छा नेटवर्क बनाने के लिए आपके हर एक एसोसिएट को तीन चीजों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। सबसे पहला काम जो आपने करना है अपने नए एसोसिएट के साथ में, तीन पीस के ऊपर फोकस करना है। हर एक नए एसोसिएट को, आपकी टीम के हर एक डाउनलाइन में हर एक बंदे को कंपनी का प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए। कंपनी क्या है, कब बनी थी, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कहां पर हेडक्वार्टर्स है, क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज, हम कौन सी गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं, क्या फ्रेमवर्क है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, आपके डाउनलाइन को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। कंपनी के प्रोडक्ट्स की नॉलेज बहुत जरूरी होनी चाहिए आपके एसोसिएट्स को। एसोसिएट आपकी टीम में जो भी है वो काम तभी कर पाएंगे जब उनको प्रोडक्ट्स की अच्छी नॉलेज होगी। तो कंपनी का प्रोफाइल हर एक एसोसिएट को पता होना चाहिए अच्छी तरह से, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, कंपनी का पूरा बिजनेस प्लान पता होना चाहिए। ये तीनों चीजों पर अगर आपको फोकस करना है तो आपके टीम के लोग ट्रेंड होते रहेंगे। जो भी नया एसोसिएट ज्वाइन होता है उसको कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट्स और कंपनी का बिजनेस प्लान, ये बहुत अच्छी तरह से आपने सिखाना है, बार बार सिखाना है। स्किल डेवलपमेंट ऑफ न्यू एसोसिएट इज मस्ट। नए एसोसिएट्स का स्किल डेवलपमेंट करना, उनके गोल सेट कराना, उनको लिस्ट बनवाना, उनको प्रोस्पेक्टिंग सिखाना, उनको इनविटेशन की टेक्निक सिखाना, क्लोजिंग कैसे करते हैं ये सिखाना, फॉलोअप कैसे करते हैं ये सिखाना, किसी को मोटिवेट कैसे करते हैं ये सिखाना, ये सब बड़े स्पेसिफाइड और टेक्निकल स्किल्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। ये स्किल्स अगर आपने अपने नेटवर्क को सिखाए हैं तो आपके एसेट बन जाएंगे। अगर ये स्किल आपने अपने नेटवर्क को नहीं दिए हैं तो आपके ऊपर लायबिलिटी बने रहेंगे हमेशा के लिए, वो हर चीज के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। तो कभी भी आप बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाएंगे, बड़े चेक्स नहीं बना पाएंगे। बड़ी टीम बनाने के लिए, शानदार टीम बनाने के लिए, अच्छी टीम बिल्ड करने के लिए जरूरी है कि आप ट्रेनर बने, स्पीकर ना बने। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्पीच बड़ा अच्छा देते हैं पर वो ट्रेनर नहीं है। ट्रेनर में और स्पीकर में बहुत फर्क होता है। बहुत लोग अच्छे स्पीकर होते हैं, वो आते हैं भाषण देके, अच्छा सा भाषण देके निकल जाते हैं, ताली बजती है और बात खत्म। लेकिन उसके बाद तो फिर आपको फील्ड में काम करना जाना है अपने एसोसिएट के लिए। जो नया एसोसिएट आया है उसको फील्ड में जाना है और फील्ड में बहुत सारी चीजें उसको सीखनी होती है जो ट्रेनिंग में बात नहीं बनती है। बहुत सारी चीजें हम बिजनेस की सीखते हैं फील्ड में जाकर। तो अगर आप अच्छे स्पीकर हैं और अच्छे ट्रेनर नहीं है तो आप अच्छे लीडर नहीं बन सकते। एक अच्छे लीडर को अच्छा स्पीकर नहीं, अच्छा ट्रेनर बनना पड़ेगा। अच्छा ट्रेनर वो होता है जो फील्ड सपोर्ट प्रोवाइड करता है अपने नेटवर्क को, जो अपने नेटवर्क को फील्ड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फील्ड में ट्रेनिंग देता है। नॉर्मल ट्रेनिंग तो अटेंड कराता ही कराता है, लेकिन सिर्फ भाषण नहीं देता है, भाषण के साथ साथ फील्ड में सपोर्ट करता है, वो ट्रेनर है। जो हाथ पकड़ के सिखाता है वो ट्रेनर है। YouTube पे बैठ के कोई सोचेगा कि मैं बैटिंग करना सीख लूंगा तो नहीं सीख पाएगा ना। एक ट्रेनर चाहिए जो उसका हाथ पकड़ के उसको स्टांस लेना सिखाए, बॉलर है तो उसको बॉल कैसे पकड़नी है वो करके दिखाए, फील्ड में उसके साथ में खड़ा हो, वो है ट्रेनर। तो अच्छे स्पीकर के पीछे मत जाइए, अच्छा ट्रेनर होना बहुत जरूरी है। तो आपको भी अच्छा स्पीकर बनने की जरूरत नहीं है, अच्छा ट्रेनर बनना जरूरी है। आपको फील्ड सपोर्ट प्रोवाइड करना है अपने नेटवर्क को। आपको अपनी टीम में अचीवर्स जाने पड़ेंगे तब आपकी टीम बड़ी होगी। अगर आपकी टीम में अचीवर्स नहीं होंगे, लोग ज्वाइन करेंगे, ट्रेन भी हो जाएंगे, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहे, वो अचीव नहीं कर रहे, वो उसी लेवल पे बैठे हुए हैं, तो टिकेंगे नहीं आपके साथ में। टिकेंगे वही जो अचीव करते रहेंगे लगातार, जो कमाई करेंगे, जो पैसा कमाएंगे, जो अपने लेवल से अचीव करेंगे, जो अपनी प्रमोशन से अचीव करेंगे, वो आपके साथ टिकेंगे। अगर एक व्यक्ति ज्वाइन करने के बाद वहीं के वहीं बैठा रहेगा तो ग्रोथ नहीं हुई ना उसकी। जिस मकसद के लिए आया था हमारे बिजनेस में वो मकसद तो पूरा नहीं हुआ ना उसका। इसलिए आपको अपनी टीम में अचीवर्स तैयार करने हैं। हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हम सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन है, हम एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमारे यहां पर जो भी ज्वाइन करता है वो ग्रो करना चाहता है, वो पैसे कमाना चाहता है, वो तरक्की चाहता है, वो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है,
वो हमें उसकी मदद करनी है उसकी सेल्स करने में, हमें मदद करनी है उसके फॉलोअप करने में, हमें मदद करनी है उसके चेक बनवाने में, हमें मदद करनी है उसके सपनों को पूरा करने में, उनके साथ में लगे रहने में हमने उसकी मदद करनी है। तो अचीवर निकालना टीम में बहुत जरूरी है, सिर्फ भाषण देने से बात नहीं बनेगी, अचीवर निकालना जरूरी है। और आपकी टीम तब तक आपके साथ में रुकेगी जब तक उनको यह भरोसा रहेगा कि वो आपके साथ ग्रो करने वाले हैं। जिस दिन ये भरोसा टूट जाएगा आपके नेटवर्क टूट जाएगा, इसलिए ध्यान रखिए आपके नेटवर्क का भरोसा कभी भी नहीं टूटना चाहिए, इसलिए हमेशा उनको फील्ड सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए। अब मैंने बताया था कि बहुत सारे एसोसिएट ऐसे हैं हमारे जो हमसे नाराज हैं, जो किसी कारण की वजह से हमें छोड़ चुके हैं, तो उनको वापस कैसे लाए? जो 6 महीने पहले ज्वाइन हुए थे वो बिजनेस में आज परफॉर्म नहीं कर रहे, जो पहले परफॉर्म कर रहे थे आज परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको वापस कैसे लाए? जो एक लेवल पर पहुंचे और उसके बाद छोड़ गए उनको वापस कैसे लाए? जिनने ज्वाइन करने के बाद बड़ा अच्छा दिखाया था परफॉर्मेंस, लेकिन उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस खराब हो गई और छोड़ के चले गए, उनको वापस कैसे लाए? जो नाराज एसोसिएट्स हैं उनको दोबारा बिजनेस में कैसे लेके आए, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। जो सबसे इंपोर्टेंट है लास्टली, उनको जाके बताइए पुराने एसोसिएट्स को कि हमारा जो बिजनेस प्लान है अभी वो अपग्रेड हो चुका है और वो आज के दिन सबसे शानदार बिजनेस प्लान है। हमारे बिजनेस प्लान में इतनी सारे चेंजेस आ गए हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर, तो क्या क्या चेंजेस आए हैं वो चेंजेस जाके उनको बताइए कि देखिए पहले इस तरह का बिजनेस था, अब ये चेंजेस आ गए हैं, अब हमारे बिजनेस प्लान में बहुत ज्यादा पैसा आ गया है। जब आप उसके बारे में बताएंगे तो वो मोटिवेट हो जाएंगे दोबारा से। इसके अलावा हमारे प्रोडक्ट्स बहुत सारे आ गए, जो प्रोडक्ट बेस हमारे पास पहले था आज हमारा प्रोडक्ट बेस पहले से बहुत बड़ा हो गया है, तो उसके बारे में जाके बताइए। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कितनी शानदार हो गई, कितनी इंप्रूव गई है, वो जाके बताइए, दिखाइए, डेमो दीजिए। हमारा डिलीवरी सिस्टम कितना फास्ट हो गया है, उनको जाके बताइए कि देखिए आपके जमाने जो आपने ज्वाइन किया था, जब आपने काम किया था, 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में 4 हफ्ते में प्रोडक्ट पहुंचता था, और आज हमारा प्रोडक्ट नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे पहुंच जाता है। ऑल ओवर इंडिया हमारा डिलीवरी सिस्टम इतना क्विक है, लगातार मैसेजेस आते हैं, उसकी ट्रैकिंग होती है, आप सब कुछ देख सकते हैं और किसी को क्वेरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। डिलीवरी सिस्टम हमारा वर्ल्ड क्लास है, किसी भी अच्छी से अच्छी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी से शानदार हमारा डिलीवरी सिस्टम आज के दिन है। हमारी जो प्रोडक्ट रेंज है वो बहुत बड़ी हो गई है, ये जाके इनको बताइए कि पहले लिमिटेड प्रोडक्ट्स थे, आज हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं बेचने के लिए, तो प्रोडक्ट के बेसिस पे हमारे वो एसोसिएट वापस आ जाएंगे। पहले आपको याद होगा हफ्ते में एक दिन क्लीनिंग होती थी, बुधवार को क्लोजिंग होती थी और पे आउट आता था सैटरडे को जाके या मंडे को आके, कई दिन तक क्लीनिंग चलती रहती थी क्योंकि बीच बीच में क्लीनिंग करते नहीं थे। हफ्ते में एक दिन क्लीनिंग होती थी और क्लीनिंग होने में ही 2-3 दिन लग जाते थे, और आज के दिन क्या होता है, आपने पेमेंट किया और कुछ घंटे बाद आप देखते हैं आपकी आईडी ब्लू हो चुकी है, ग्रीन हो चुकी है, प्रोसेस हो चुकी है आपका ऑर्डर। आज दिन में 3 बार ग्रीनिंग होती है, पहले हफ्ते में 1 दिन ग्रीनिंग होती थी, ये चेंज लाए हैं सेफ शॉप, ये जाके इनको बताइए। पहले बैंक में जाके पेमेंट जमा करनी पड़ती थी, कैश लेना पड़ता था, एटीएम से निकालना पड़ता था, बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता था, ईमेल करना पड़ता था, स्कैन करके पता नहीं क्या क्या करना पड़ता था, कभी कोड मिसमैच हो जाता, कभी कुछ हो जाता था, तो एक लीडर का आधा टाइम उसमें बर्बाद हो जाता था। आज हम 100% डिजिटल हो गए हैं, हमारी इनवर्ड पेमेंट भी और आउटवर्ड पेमेंट भी पूरी की पूरी डिजिटल है, एक पैसा ना कैश में लेना ना देना, ना बैंक जाना ना बैंक से कुछ लेकर आना, सब कुछ डिजिटल आपके बैंक अकाउंट में होता है। तो लीडर्स का जो बर्डन होता था क्वेरीज करने का वो खत्म हो गया, पेमेंट लेना जमा करना वो खत्म हो गया, ईमेल करना सारा झंझट खत्म हो गया, सब कुछ 100% डिजिटल हो गया। उनको बताइए कि आज सेफ शॉप 21 साल का ट्रैक रिकॉर्ड के साथ में खड़ी हुई है, 21 साल से जबरदस्त काम कर रही है सेफ शॉप और बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड हमारा है, उसके बारे में बताइए उनको। आज हमारे पास ऐसे शानदार एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में मिलते ही नहीं है, एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास भगवत गीता, संपूर्ण हनुमान, टॉकिंग टेड, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आप लेकर जाते हैं फील्ड में तो आपकी इज्जत बढ़ती है। जब आप किसी को भगवत गीता दिखाते हैं ना, वो आपको बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करता है, जब आप किसी को संपूर्ण हनुमान दिखाते हैं तो आपको बहुत इज्जत मिलती है वहां पर। ये आपका एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, पहले हम कुछ और प्रोडक्ट्स लेकर जाते थे तो हमारी वैल्यू कुछ और होती थी, आज जब हम इतने शानदार प्रोडक्ट लेकर जाते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए उनको। इसके अलावा कस्टमर सपोर्ट सेंटर हमारा कितना शानदार हो गया है, पहले ईमेल का रिप्लाई नहीं आता था, अब हर ईमेल का रिप्लाई आता है, पहले फोन करते थे तो वेटिंग में पड़े रहते थे हम लोग, अब फोन करने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे सपोर्ट है, कस्टमर सपोर्ट सेंटर इतना शानदार है हमारे पास जो वर्ल्ड क्लास है, सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया है, ईमेल का रिप्लाई आता है, व्हाट्सएप पर रिप्लाई आता है, व्हाट्सएप चैट सपोर्ट सिस्टम है, काव्य सपोर्ट सिस्टम है, जिसपे आपको सिर्फ क्वेरी डालनी है, उसके बाद सारा काम उनने करना है, तो आपको उलझे नहीं रहना है उन सारे कामों में जो पहले हम उलझे रहते थे, ये जाके बताइए नए एसोसिएट्स को। और लास्टली एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली,
परफेक्ट टाइम के लिए इंतजार मत कीजिए कि ये हो जाएगा तो मैं काम करूंगा, वो हो जाएगा तो मैं काम करूंगा, छुट्टियों में करूंगा, वीकेंड पे करूंगा। बड़े सारे लोग दिवाली के चक्कर में थे, फिर छठ के चक्कर में चले गए, अभी कुछ और कोई त्यौहार आ जाएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा। परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आता। अगर आप परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे हैं तो कभी भी नहीं आने वाला। एक्ट फास्ट एंड एक्ट बिफोर एनीवन एल्स। आपके ही प्रोस्पेक्ट को कोई दूसरा जाके ज्वाइन करा लेगा, आपके ही सगे भाई को कोई और जाके ज्वाइन करा लेगा, आपके ही रिश्तेदार को कोई और जाके ज्वाइन करा लेगा, आपके पड़ोसी को कोई और जाके ज्वाइन करा लेगा। इससे पहले कि कोई और अप्रोच करे, आप उनको अप्रोच कीजिए। टाइम की कदर कीजिए, टाइम को वेस्ट मत होने दीजिए, फील्ड में टाइम स्पेंड कीजिए। क्योंकि आप जानते हैं जो लोग वक्त की कदर नहीं करते उनके अच्छे दिन कभी भी नहीं आते। अगर आपने अपना टाइम हाथ से जाने दिया तो कभी भी अच्छे दिन नहीं आएंगे। टाइम का सदुपयोग कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए। 2 मिनट का भी टाइम आता है ना तो उसमें 2 लोगों को मैसेज कर दीजिए। 5 मिनट का टाइम मिलता है तो एक एसोसिएट को फोन कर लीजिए। 5 मिनट का टाइम मिलता है अपने अपलाइन को कॉल कर लीजिए। 10 मिनट का टाइम मिलता है कोई वीडियो देख लीजिए अच्छी सी। आधे घंटे का टाइम मिलता है एक बुक पढ़ लीजिए। थोड़ी देर का टाइम मिलता है तो किसी दादाई से जाके मिलिए, किसी अपाई से जाके मिलिए, किसी को चाय पे बुलाइए, किसी को प्लान शो कीजिए, फॉलोअप कीजिए। टाइम वेस्ट करने के लिए हमारे पास नहीं है। टाइम हमारे पास सबसे बड़ा असेट है। टाइम की वैल्यू कीजिए और आप एक अच्छी टीम बना पाएंगे। अपने रिलेशंस को कवर कीजिए, अननाराज लोगों से जाके मिलिए, उनको डेवलप कीजिए। जहां पर कोई खटास है उसको खत्म कीजिए, रिश्तों में जो दरार आ गई है उसको भरिए, ईगो मत रखिए, सबसे दिल खोलकर मिलिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपकी टीम में लोग आते रहेंगे और आपकी टीम बड़ी होती जाएगी, और जैसी जितनी बड़ी टीम आपके पास में होगी उतना बड़ा बिजनेस आप कर पाएंगे। दोस्तों याद रखिए, हमारे बिजनेस का जो फंडामेंटल है, जो बेसिक है, वो लिवरेजिंग। लिवरेजिंग मतलब जब ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट निकालते हैं। एक ट्यूशन पढ़ाने वाले से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्यादा कमाता है, एक डॉक्टर से एक नर्सिंग होम या हॉस्पिटल ज्यादा कमाता है, एक किराने वाले की दुकान से ज्यादा कमाता है बिग बाजार, क्योंकि वो लिवरेजिंग करते हैं। एक लॉयर से ज्यादा कमाता है एक लॉ फर्म, राइट? एक इंडिविजुअल लेबर से ज्यादा कमाता है एक ठेकेदार, क्योंकि वो लिवरेजिंग करता है। जब हम लिवरेजिंग करेंगे तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, अगर हम लिवरेजिंग नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस सिंक होता जाएगा। हमारा सोशल दायरा बढ़ेगा, हमारा नेटवर्क बढ़ेगा तो हमारी सेल्स बढ़ेंगी, हमारी सेल्स बढ़ेंगी तो हमारा कमीशन चेक बढ़ेगा, हमारा पोजीशन बढ़ेगी, हमारे सपने साकार होंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, गो डायमंड एंड अचीव ऑल योर रैंक्स।